फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन बच्चों हम लोग को दे रखा, देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एक ठोकले बेलन के भीतर प्लस क्यू आवेश स्थित है। देखिए डायग्राम को आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे पास ये ठोकला बेलन है, ठीक है, जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग उसका गया, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, तब इसके एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखिए देखिए बच्चों हम लोग क्या कह रखा है, देखिए क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हमारे पास एक बच्चों खोखला बेलन है, ठीक है। अब बच्चे खोखले बेलन के अंदर क्या होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है और दो समतल पृष्ठ होते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चे, ये वाला एरिया ये वक्र पृष्ठ होता है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, ये दोनों समतल पृष्ठ होते हैं। ये दोनों समतल पृष्ठ है, और ये जो ऊपर नीचे आप देख पा रहे हो ये क्या बच्चों, ये आपका वक्र पृष्ठ है। चलिए देखिए एक मार्कर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये भी बच्चों एक खोखला बेलन है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों, ये इसका समतल पृष्ठ हो गया, ये भी एक समतल पृष्ठ हो गया, और ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं इसी एरिया को बच्चों बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब पूछा बच्चों हम लोगों से गया है कि इसके खोखले बेलन के किसी एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जबकि उसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है, फाइ है। समझ में आ आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। बच्चों वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। समझ में आप लोग को मेरी बात। चलिए स्क्रीन पर क्लियर करता हूँ। देखिए बच्चों जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज की ये विशेषता होती है कि इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है, यानी इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, ठीक है। तो वो सब और को निकलेंगी, इधर ऊपर की ओर को भी निकलेंगी, नीचे की ओर को भी निकलेंगी। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है, और भी निकलेंगी ऊपर नीचे, मैं आपको समझाने के लिए इतने ही बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों वैद्युत बल रेखाएं वो इस वाले समतल पृष्ठ से पास होंगी और इस वाले समतल पृष्ठ से पास होंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं कुछ एयरकोट दिखा देता हूँ, ये वैद्युत बल रेखा निकल रही है। समझ मारे आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और बच्चों ये जितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही है, ठीक है, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमको बच्चों ये बताना है कि इसके किसी एक समतल पृष्ठ से या तो इससे मान लीजिए या फिर इससे मान लीजिए, इससे कितनी वैद्युत बल रेखा यानी कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, जबकि इसके वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, इसके वक्र पृष्ठ से बच्चों 5 वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब बच्चे ये जो सवाल है बच्चों ये गॉस के प्रमेय के आधार पर सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि गॉस ने एक प्रमेय दी थी बच्चों, उनका स्टेटमेंट ये था किसी बंद पृष्ठ से, क्योंकि जो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये भी एक बंद है, किसके अंदर बंद है, खोखले बेलन के अंदर बंद है। समझ में आ आप लोगों को मेरी बात। और गॉस के प्रमेय बच्चों हमेशा बंद पृष्ठों पर ही लागू होती है। तो क्या स्टेटमेंट था बच्चों, स्टेटमेंट उनका ये था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा गिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए स्क्रीन पर आपको लिखा दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अगर बच्चों हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये किसी सरफेस के अंदर बंद है, तो इस सरफेस से जो कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा बच्चों, वो होगा उसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर बच्चों होता है ये Q/ε0। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक। तो अब बच्चों यही हमें फॉर्मूला इसमें इसके अंदर अप्लाई करना और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो देखिए लिखेंगे बच्चों गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। अच्छा देखिए खोखले बेलन से बद मतलब संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा बच्चों Q/ε0 के बराबर, ठीक है सर। क्यों, देखो यही फार्मूला है वो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये जो वैद्युत आवेश है प्लस क्यू, ये भी तो एक बंद पृष्ठ के अंदर ही है, लेकिन वो जो पृष्ठ वो कैसा है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार है, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टैंड, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस बेलन के तीन मुख्य भाग हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और दो इसके समतल पृष्ठ, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो तो आपको दे रखा है, तो लिखते हैं कि इसको लिखेंगे, देखिए
वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बच्चों ये कितना दे रखा है, ये आपको केवल फाइव दे रखा है। ये आपको कितना रखा बच्चों, फाइव। कहा देखो, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर का वैद्युत फ्लक्स पास होता है, नहीं गुजरता है, तो ये माने वक्र पृष्ठ की बात कर ली, ठीक है। अच्छा अब बच्चों वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत विलेखा इसके समतल पृष्ठों से पास हो रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए इधर से बच्चों 5(1) फ्लक्स पास हो रहा है और इधर मान लीजिए 5(2) फ्लक्स पास हो रहा है, यानी इधर को 5(1) फ्लक्स पास हो रहा है और इधर को 5(2) फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बच्चों बताता चलूं कि जितनी वैद्युत विलेखा इधर को पास होंगी उतनी वैद्युत विलेखा उधर को पास होंगी, यानी दोनों समतल पृष्ठों से बिल्कुल बराबर ही वैद्युत विलेखा पास होंगी, अर्थात इन दोनों समतल पृष्ठों से बराबर वैद्युत फ्लक्स पास होगा, समझ में आ रहा। यानी 5(1) और 5(2) के मान एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये सिलेंड्रिकल एरिया है, जितना क्षेत्रफल इधर है, जितना समतल पृष्ठ इधर है उतना ही समतल पृष्ठ बच्चों इधर है, दोनों का एरिया बिल्कुल बराबर है, तो बराबर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास होंगी दोनों ओर को, ठीक है। यानी 5(1) और 5(2) आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, देखिए आप तो लिखेंगे देखिए कैसे, तो अब देखिए मैंने कहा वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो 5 हो गया, वो तो बात हमने कर ली, ठीक है। अच्छा देखिए, तो कुल वैद्युत फ्लक्स यानी क्या बताएगा बच्चों, 5(1) प्लस 5(2) प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है। अब 5(1) क्या है बच्चों, इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, 5(2) क्या बच्चों, इस वाले वैद्युत फ्लक्स इस दूसरे वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और ये जो 5 है ये बच्चों इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं मान लेता हूं कि 5(1) बराबर 5(2) जैसे आपको बताते हैं, मान लेते हैं देखो लिख लेते हैं 5(1) बराबर 5(2) बराबर को मैंने 5e कह देता हूं, मुझे 5e कह दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ आप लोग को मेरी बात। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, तो देखो ये भी 5e और ये भी 5e, मैंने मान लिया ना 5(1) और 5(2) दोनों 5 के बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आपको मैंने बता दिया क्योंकि दोनों के समतल पृष्ठ बराबर है, ठीक है। तो ये 5e हो जाएगा और ये भी 5e हो जाएगा, तो बच्चे 2(5e) हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2(5e) हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं Q/ε0 और माइनस का हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा, सर मारा आप लोगों को मेरी बात। अंतर क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ई लगा लिया ना 5e, ठीक है। तो 5(1) और 5(2) को हमने क्या मान लिया बच्चों, 5e मान लिया, तो ये 5(1) ये 5(2) है, तो दोनों 5 के बराबर होगा, तो 2(5e) हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए मैं 5e की वैल्यू निकालूंगा, तो 5e क्या होगा, किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, 5e जो होगा 5e बच्चों ये होगा किसी एक पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, समझ में आ रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं चीज को, यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 5e बराबर देखिए 1/2 ये वाला जो 1/2 है ना, और ये जो आपका ये देखिए Q/ε0 -5, तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर होगा, ये इसका बच्चों फाइनली आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा, यानी इसके किसी एक समतल पृष्ठ से, किसी एक समतल पृष्ठ से बच्चों कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा बच्चों, वो होगा ½Q/ε0 -5 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सवाल का बच्चों जवाब हो गया, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चों हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।